अरे अरे, कहाँ चल दिए? ये इजी पाव भाजी की फुल रेसिपी तो देखते जाइए। खाने में बहुत ही जबरदस्त और टेस्ट बिल्कुल बाजार की तरह। सबसे पहले अपनी मनपसंद की सब्जियां को हल्दी, नमक, पाव भाजी मसाला और पानी डाल के प्रेशर कुक कर लेना है। क्वांटिटी की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हाई फ्लेम पर 1 सीटी लगाना है और लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। कुकर को साइड में रख दें और प्रेशर खुद ही निकलने दें। अब हम भाजी के लिए मसाला रेडी कर लेंगे। बटर के साथ हमेशा थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालें ताकि बटर जले ना। प्याज सॉफ्ट हो जाए तो इसमें नमक, बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट और पाव भाजी मसाला डाल के इसे भून लेना है। अब इसमें टमाटर भी डालेंगे और इसे भी अच्छी तरीके से भून लेना है। सब्जियां अच्छी तरीके से कुक हो चुकी हैं, इसमें भुना हुआ मसाला को ट्रांसफर कर देंगे। ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी भी डाल दें। अब इसे मैश करते हुए 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर फिर से कुक कर लेंगे। इसमें और कलर और फ्लेवर्स लाने के लिए बटर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से तड़का लगाएंगे। टेस्टी बाजार वाला भाजी रेडी है। अब चलिए पाव को भी सेक लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट देने के लिए पाव को हमेशा इस तरीके से सेका करें। बटर में धनिया के पत्ते और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को सिर्फ 30 सेकेंड के लिए भून लेना है। बस अब क्या, ऊपर नीचे अच्छी तरीके से पाव को सेक ले और इसे गर्मा गर्म भाजी के साथ इंजॉय करें।